हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू माय यूट्यूब चैनल आरती एजुकेशन वर्ल्ड में। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की सोशल साइंस वर्कशीट नंबर 82 पढ़ने वाले हैं, जिसकी डेट है 9 फरवरी 2021। तो बच्चों, हम इसको अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे और जो भी इसमें करने को दिए गए हैं ना क्वेश्चन आंसर्स, सबको करेंगे। तो आज का हमारा जो वर्कशीट हमारी लोकतांत्रिक राजनीति से आई है और जो आपका पाठ एक है लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, उस पाठ की रिवीजन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावर्ती वर्कशीट है, तो वो हमें करनी है। तो बच्चों, इसमें बच्चों आपके जो पहले 5 क्वेश्चन हैं वो आपके अति लघु प्रश्न हैं, जो आपको छोटे आंसर लिखने होते हैं। उसके बाद आपका स्रोत्र आधारित प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर हमें 4 आसान से प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम 7वें, 8वें, 9वें और 10वें प्रश्न पर। तो इसमें हमें थोड़े से विस्तृत आंसर लिखने हैं, क्योंकि ये आपके 3 से 5 नंबर में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट का पहला क्वेश्चन, जो इस तरीके से है। बच्चों, अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, पहला क्वेश्चन, जनता के शासन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र, है ना। लोक यानी कि जनता, तंत्र मतलब शासन, लोकतंत्र या जनतंत्र जनता के शासन को कहते हैं। तो इसका उत्तर आप ये लिख देंगे। चलिए, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत को माना जाता है। तो आप इसके उत्तर में भारत लिख देंगे, हमारा देश भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में है, क्वेश्चन नंबर 3, संसार के किसी एक गैर लोकतांत्रिक देश का नाम लिखिए। तो बच्चों, आप जानते हैं विश्व में अब ज़्यादातर जो देश हैं वो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अपना रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे देश बचे हुए हैं जहाँ पर अभी गैर लोकतांत्रिक सरकारें हैं, जैसे उनमें से एक है आपका उत्तरी कोरिया। तो आप इसको लिख देंगे प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। चलिए, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र क्या है? तो ये आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान में आप 18 लिख देंगे। भारत में मतदान करने की निर्धारित उम्र 18 साल है, ठीक है। चलिए, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैनिक तख्ता पलट क्या होता है? तो सैनिक तख्ता पलट, बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो पाकिस्तान में ये सैनिक तख्ता पलट कई बार हो चुका है, जब आर्मी के हाथ में पूरी की पूरी पावर आ जाती है सोल्जर्स के हाथ में, तो उसको सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। लेकिन अगर आप उसको आंसर लिखना है तो इस तरीके से लिखिए, एक छोटे से समूह द्वारा सहसा की गई कार्रवाई, प्राय सैनिक कार्रवाई होती है, ज़्यादातर सैनिक ही करते हैं, द्वारा किसी सरकार को असंवैधानिक तरीके से हटाकर नई असैनिक या सैनिक सरकार बना लेने को सैनिक तख्ता पलट कहते हैं। तो ये हो गया आपके प्रश्न नंबर 5 का एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले वी हैव टू रीड दिस अनुच्छेद, हमें इस पैसेज को पढ़ना पड़ेगा। एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, समझे। कोई भी लोकतांत्रिक सरकार हो, वो चुनाव जीत ले तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने अनुसार सारे नियम कानून या शासन करेगी, उसे भी कुछ बुनियादी तौर तरीकों का पालन करना होता है। कुछ जो बेसिक जो तौर हैं, जो तरीके हैं, जो लिखे हुए हैं संविधान में, वो सब करना पड़ता है। खास तौर से उसे अल्पमत वाले समूह को दी गई कुछ गारंटियों का आदर करना होता है, जो वो चुनाव के टाइम पे या हमारे संविधान में या हमारे न्यायिक व्यवस्था ने जो कुछ नियम या कानून बनाए हैं कि अल्पमतों के लिए, यानी कि सबका विकास या सबका ही कुछ ना कुछ होगा, जो भी उसमें कानून होता है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। हर प्रमुख फैसला लंबे विचार विमर्श के बाद लेना होता है। हर जो प्रमुख फैसला है लंबे विचार विमर्श के बाद क्यों लेते हैं? क्योंकि उसमें किसी के हितों का हनन ना हो, किसी के हित छूट ना जाए, अधिकार लोगों के रह ना जाए, किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं, समझ रहे हो। कोई भी अगर हमारी पोस्ट होती हो तो उससे जुड़े हुए जो भी अधिकार होते हैं, जिम्मेदारियां, ये सब संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। यह सभी ना सिर्फ जनता के प्रति उत्तरदायी हैं, बल्कि स्वतंत्र
अधिकारियों के प्रति भी उनकी जवाबदेही होती है, समझ रहे हैं। तो वो जनता के लिए ही उत्तरदायी नहीं है, वो सब जो उनके अधिकारी हैं वहाँ पे भी उनको उत्तरदायी रहना पड़ता है। तो पहला क्वेश्चन जो आपका शोध आधारित प्रश्न है, सरकार जनता के प्रति कैसे उत्तरदायी होती है, तो इसका उत्तर लिखना है सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है इसलिए उत्तरदायी होती है। ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 6 का पहला वाला। प्रश्न नंबर 6 का जो दूसरा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से क्यों लिए जाते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे लोकतंत्र में प्रमुख फैसले विचार विमर्श से लिए जाते हैं क्योंकि लोकतंत्र में सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखा जाता है। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2 आपका अनुच्छेद आधारित। फिर आ जाते हैं फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान भरिए, क्या क्वेश्चन है। हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार की जिम्मेदारियां द्वारा दी जाती हैं, तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, इसमें बस आप यहाँ पे संविधान फिल कर देंगे, हर पदाधिकारी को उस पद के साथ जुड़े अधिकार और जिम्मेदारियां संविधान द्वारा दी जाती हैं। तो ये हो गया आपका तीसरा जो अनुच्छेद आधारित प्रश्न स्रोत्र आधारित प्रश्न था। फिर चौथा क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती, तो आपको ऐसे लिखना है एक लोकतांत्रिक सरकार सिर्फ किस कारण से मनमानी नहीं कर सकती कि उसने चुनाव जीता है, इस कारण से मनमानी नहीं कर सकती क्योंकि उसने चुनाव जीता है। बच्चों अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से मैं आपके लिए बनाती हूँ। आपको पता है स्कूल भी खुले है और आपकी वर्कशीट भी बनानी पड़ती है, तो डबल काम हो रहा है मेरे लिए, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतर बताइए। तो लोकतांत्रिक सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है जबकि गैर लोकतांत्रिक सरकार नहीं चुनी जाती। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जबकि गैर लोकतांत्रिक देशों में नहीं। लोकतंत्र में निरंतर चुनाव होते हैं जिसमें जनता के सरकार को बदल सकती हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 7, ठीक है। इसमें दोनों का हमने क्या कर दिया, अंतर लिख दिया, लोकतांत्रिक में क्या होता है, गैर लोकतांत्रिक में क्या होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाते हैं, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कोई 3 विशेषता बताइए। तो 3 विशेषता आप इस तरीके से लिखिए माय डियर स्टूडेंट्स, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही देश की शासन की बागडोर संभालते हैं और सारे प्रमुख फैसले वे स्वयं लेते हैं, ठीक है। लोग मतलब सबसे पहली तो जो विशेषता यही है, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा, लोकतंत्र में चुनाव नियमित रूप से निष्पक्ष और स्वतंत्र होते हैं और चुनाव द्वारा लोग जब चाहे मौजूद शासकों को बदल सकते हैं, ठीक है। तो एक दूसरी विशेषता ये है, ऐसी शासन प्रणाली में धर्म, जाति और रंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये हो गई 3 जो सबसे प्रमुख विशेषताएँ हैं एक लोकतांत्रिक सरकार की, है ना, जनता के हितों का ध्यान रखा जाता है। तो ये सब चीज़ हो गई। प्रश्न नंबर 9 जो आपकी वर्कशीट में है वो है, लोकतंत्र में निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर आप इस तरीके से लिखेंगे, लोकतंत्र चुनाव में स्वतंत्रता और निष्पक्षता इसलिए ज़रूरी है जिससे कि हम लोकतंत्र में एक अच्छी सरकार का चयन कर सकें जिससे समाज में जनता का कल्याण हो और सभी के हितों का समान रूप से ध्यान रखा जा सके, किसी के अधिकारों का हनन ना हो। तो ये हो लिख देंगे प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं जो आपका लास्ट क्वेश्चन है इस वर्कशीट का। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका उत्तर आप ये लिखेंगे, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता को अपने शासकों का चुनाव करते समय निम्न बातों का ध्यान रखने चाहिए, वह भारत का नागरिक हो, अनुभवी हो, किसी भी आपराधिक कार्य में संलिप्त ना हो, आयु कम से कम 18 वर्ष हो, किसकी, आपकी, जिस जो भी वोट दे रहा है, तो वोट देने वाले की, है ना, आपकी उम्र, है ना, आपकी उम्र, आपकी नहीं लिखिए, आप इसमें लिखिए नागरिक की आयु, आम नागरिक की आयु, है ना, आम नागरिक की आयु कम से कम 18 वर्ष हो, ठीक है, जो वोट देने जा रहा है। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर। तो बच्चों ये हो गई आज की आपकी वर्कशीट नंबर 82 सोशल साइंस की। होपफुली वीडियो विल बी बेनिफिशियल एंड वेरी फ्रूटफुल टू यू, और आप इससे अपनी वर्कशीट सोल्व कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और एक कमेंट में बता के जाना कि आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है या नहीं। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।